भाई किसने के हो तुम? भाई मेरा कलर देखो भाई, मैं सौ का हूँ भाई, 100 किलो है मेरा भाई। 2 लाख रुपया पकड़ लो ना भाई, कोई आएगा पैसा देने 2 लाख यार भाई। हेलो गाइस व्हाट्सअप, तो हम लोग आज का व्लॉग बनने वाला है बकरे के ऊपर। हम लोग जा रहे हैं भिवंडी फार्म है एक, वहाँ पे बकरा दिखाएगा, अगर पसंद आएगा तो बकरा लेंगे वहाँ से। तो अभी हम लोग रास्ते में, ये ऑन द वे, ये आप लोग को वहीं पे डायरेक्ट मिलेंगे। तो आज का व्लॉग अच्छे रहेंगे तो अच्छे बकरे बताएंगे, नहीं रहेंगे तो वो भी बता देंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो ये क्लिप स्टार्ट होने से पहले मेरे को अजहर सब बता रहा था क्या ये चीज़ बोल व्लॉग में, तो मैं बोला चल ठीक है बात करेंगे व्लॉग में आ। बट मैंने उसके बाद थोड़ा सा प्रैंक मतलब उसका रिएक्शन ले रहा था, मैंने वीडियो में कुछ नहीं बोला। और एंड तक लगा मेरे को देखना था कि वो कुछ रिएक्ट करता है क्या नहीं करता है। क्या हुआ? गरम बहुत है लेकिन फजल। हाँ गरम गरम तो है, अभी क्या करे, कड़कती धड़कती धूप, उसमें हम लोग निकल गए धूप में बाहर हाईवे पे। और इतनी ट्रैफिक तो बहुत असर चला के थक गया, उसके पैर जवाब है। 2 घंटे में हम लोग यहाँ पे पहुँचे अभी भिवंडी। और अभी मस्त आराम से बैठे थे, तो बैठना भी तो है वही होता है, बैठना और चलाने में फ़र्क है, बस पैर हिलते हुए। अभी अभी भी 10 किलोमीटर बाकी है, 10 किलोमीटर बाकी है। और अभी खाने के ब्रेक के लिए रुके थे, खाके हो गया, अभी निकलेंगे डायरेक्ट वहीं पे। कौन सा गोट फार्म में स्वागत है? कौन सा गोट फार्म का नाम नहीं मालूम, फार्म का नाम नहीं मालूम, अभी देखेंगे वहीं पे जाके क्या नाम है। और धूप बहुत आ रही है। ओके तो यही है आयशा गोट फार्म, तो हम लोग पहुँच गए हैं। अब अंदर चलेंगे और जाके जितने भी बकरे सब एक्सप्लोर करेंगे, लेट्स गो। तो आपको यहाँ पे जितने भी बकरे दिख रहे हैं सब 72, 80, 75, 85 ऐसा केजीज़ के थे। और सब बकरे यहाँ पे मतलब केजीज़ वाइज है, पर केजी का हिसाब है सबका। नेक्स्ट क्लिप में मैं आप लोग को सबके रेट बताऊँगी, मतलब सोजत खस्सी, गुजरी खस्सी, जो खस्सी थे यहाँ पे। और अंडुल तो बहुत ही कम थे, और सब प्यारे प्यारे थे, एकदम हेल्दी बकरे थे। तो ये यहाँ पे आपको रेट आपके सामने पॉज करके वीडियो आप रेट भी देख सकते हो। तो ये रेट के हिसाब से सब बकरे मिल रहे थे। ये बाड़े में जितने भी बकरे थे ये सब 72, 80, 85, 75 केजीज़ के मैक्स टू मैक्स थे। तो आपको अप्रॉक्स इसका रेट घूम फिर के मतलब पड़ेगा तो वो 30 से 50,000 के बीच में, मतलब यहाँ पे सब बकरे थे, अच्छे भी थे। और मोर देन 100 केजीज़ भी थे, जो कि उसका रेट 50 से 75,000 तक का जा रहा था। तो बहुत अच्छे बकरे थे। बकरे सब भरे हैं यहाँ पे, एक नंबर है ये। लेकिन ये पूरा हिसाब वो वेट पे पूरा है ना। साढ़े 700, 600, 550 ऐसे किलो पे। तेरे से नहीं होगा ले। रुकने का नाम नहीं, समझ गया मेरे को लेने वाले वहाँ पे भी भाग। अरे फजल ये पकड़ ले, फजल। हाँ फाइनली। तो ये भाड़े में आप लोगों को जितने भी बकरे दिख रहे ये सबके रेट 35,000 से 50,000 के बीच में थे। इसमें से एक भी बकरा 100 केजी के ऊपर नहीं था, सब 75-80 केजी के थे। बच्चा चाहिए तेरे जैसा बच्चा। हमारे पाला है। हाँ हमारे पाला, ये तो अलग ही है। कौन सा टकला? ले पकड़ ले उसको, डाल अंदर। अजहर हाइट लगा उसकी, अगर उससे हाइट देखो। हज़ार के इतना तो बकरा है ये। यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी आप लोग दिखे खस्सी बकरे ये, और अंडूल तो बहुत ही कम, बहुत रेयर देखने को मिलेगा। और ये सब का रेट वो पोस्टर पे जो मैंने दिखाया था वही रेट केजीज़ के हिसाब से ये सब बकरे। हेलो वो करने वाले तो कोई नहीं है फिलहाल यहाँ पे। हाँ यही आवाज़ आई। जितने भी बकरे यहाँ पे सब केजीस वाइज है, जिसका जितना किलो है पर केजी 675, 535, ये सब बड़े बड़े जितने भी बकरे हैं ना 100 केजी के ऊपर जो भी बकरा है वो सब 675 रुपीज़ पर केजी। तभी वो चार वहाँ पे चार देखे, चार निकाले, अभी चार में से कोई एक पसंद करेंगे, मतलब चार पसंद आया बकरा। ये जो इसके अंदर जो चार बकरे ना ये चार पसंद है, अब चार में से देखेंगे कौन सा अच्छा लगेगा वो हिसाब से लेंगे। अजय कौन सा पसंद आया? ये लेकिन देख तड़का छोड़ो पहले एकदम तरतड़ी है। इसको मार दिया तो इसके लिए नहीं चाहिए ये बकरा। सबसे हाइटेड यही है, बकरा नहीं घोड़ा लग रहा है। सब जितने भी बकरे ये 70, 80, 80 किलो के, और इसका रेट 535, 595 पर के जी। वो हिसाब लगा के मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या मतलब लमसम ये कितने का पड़ेगा। ये सब बकरे ये सब गुजरी है, सब 70, 80, 80 किलो के। खाली एक ही अवली दिख रहा है, इसकी सिंग से बच के रहना, घुसा घुसा डालेगा। खाली ये तीन ही अंडूल है आते, नहीं और है। और का है वो भाई से मेरे को डर लग रहा है। आप लोग के लिए खाली मतलब घुस रहे हैं इसके अंदर। इसको क्या बोलते हैं सर? बाड़ा, बाड़ा, बाड़ा। ये बाड़े में घुस रहे यहाँ पे एकदम। ए भाई भाई क्या कर रहा? अरे माँ क्या ये बकरा आज की जनरेशन पकड़ पकड़ ले खेलना चाह रहे हैं। बकरा नहीं हिला पा रहा है। फजल ऐसा नहीं, ऐसा करते थे ले पड़ी माँ। जा भाई खेल तू। वो उछाल उसको। एक बकरे को पीछे नहीं कर पा रहा है वे तू। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है इससे भागना पड़ेगा भाई। घूमना घूमना पीछे यार। ये जो क्या फजल के पीछे लग गया है। मेरे को झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को अभी इससे डर लगने लग गया। ये तो भाई एकदम चंचल बकरा है यार। ये मेरे को अंडूल अंडूल उसमें घुस गया है। हाँ यार ये मारने क्यों आ रहे बेल लोग? इधर किधर भागना पड़ेगा अभी आज मेरे को। अरे जितने भाई यहाँ पे जो जो आ रहे सब मारने के लिए आ रहे हैं। हो गए यहाँ भी मेरे पीछे ये पड़ी है। अरे भाई नहीं कर रहे भाई कुछ, हम लोग तुम्हारी वीडियो बनाने हैं। अरे ये भी भड़क रहा है। अरे क्या कर रहे भाई लोग, भागो यहाँ से। अजर ले पकड़। भाई डर लग रहा अभी मेरे को आज। बच्चे लेकिन एक से क्या, अरे जाओ ना यार तुम लोग को नहीं कुछ कर मम्मी। ये ऐसे बकरे लेने का देखो, अरे भाई अपने चंचल बकरे एकदम प्यारे दो दांत। 200 kg, 292 kg। ऐसा होता तो काश ये बकरों की कीमत लाख रुपया हो जाती। दो दांत 100 किलो होते था। ये कितना है, 100 आया है कि 99? 99 आया और 92। ये बहुत प्यारा है। और ये भी आगे एकदम शान शान एकदम क्यूट क्यूट बकरा दिखा है। ले पकड़, आगे वो दिखाएगी ना पीछे। ये बहुत नीच बकरे थे मारा। ये देखो मारने के फिराक में रुके हुए जितने भी है यहाँ पे सब अवली है, एक से एक अवली बकरे। सोचे थे इसके अंदर घुस के एक एक बकरे एक्सप्लोर करेंगे। अरे भाई क्या खूबसूरत लग रहा है देखो, धूप की वजह से सब वाइट, ऑलमोस्ट सब बकरे यहाँ पे वाइट है। ये देखो एकदम छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल हॉस्टल में, ऐसा लग रहा है। ओ भाई 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 जाओ क्या, एक को उठाओ क्या? अरे आया ये कुछ चल गया है। भाई किसने के हो तुम? भाई मेरा कलर देखो भाई, मैं सौंग का हूँ भाई। सौंग क्यों है मेरा भाई? 2 लाख रुपया पकड़ लो ना भाई, कोई आएगा पैसा देने। 2 लाख यार भाई। तुम्हारा सौ किलो लग रहा नहीं है मेरे को दूर दूर से। अरे तुम्हारा ओवरऑल लुक देता हूँ भाई, लेने गए लो वरना कोई और आगे लेके जाएंगे भाई। आज कमी नहीं है, बॉम्बे में हूँ भाई मैं, बॉम्बे आया हूँ राजस्थान से भाई। भाई लेकिन तुम्हारा 100 किलो नहीं है यार, 75-80 लग रहे तुम। 1 लाख रुपया जमता है तो ठीक, नहीं तो जाओ भाई यहाँ से। भाई ऐसा तुम कर रहे हो? हाँ भाई मैं थोड़ी बकरा बोल रहा था। अच्छा बकरा बोल रहा था क्या? अभी ये शान मंडी में जाएगा। शान मंडी जा तो सही अंदर। अरे इसके पीछे भी चल पानी पी रहा है। सब बैठे हुए शांत लोग हैं। अभी जो यहाँ का रेट है ना, अभी 2 महीना बाकी है बकरा ईद को, तो इसके लिए सस्ते में मिल रहा है। इसके बाद में तो हाँ, तो मतलब वो हिसाब से तो अभी भी महंगा ही है, लेकिन वो हिसाब से बहुत सस्ता मिल रहा है। अभी यहाँ पे सब बच्चे, ये सब बिकने के लिए नहीं है, ये पलने के लिए है। इन लोग को बड़ा करेंगे कि वो मंडी में उतारेंगे वहाँ पे बिकने के लिए। ये सब मेरे ख्याल से ये सब ओनर के ही है। ओनर या तो मतलब जो फार्म पे छोड़ देता है पलवाने के लिए, पलाई। हाँ ये हो सकता है, ये 100+ है। उड़ी यार क्या बात है, शेर है। आजा भाई, ये बकरा है यार। इसको भाई वो देख, हाँ छोटे आजा। अबे कश्मीरी लग रहा है, पिंक के देख भाई। ये बोलेगा भाई मैं 2 लाख का हूँ भाई, पिंक को भाई मैं 2 लाख हूँ भाई। अभी उनको तो नाच रहा है, नाच फिर से नाच। हाँ फॉलो। चल ये खेल रहा है देख, क्या बात है। चल फुट। हाँ ऐसा इसके अंदर जाए ना, मौत का कुआं, मौत का मेला बना डालेंगे। नहीं। चलो आगे चलो, टाटा बाय बाय। 100 लीजिएगा पहले, ये आराम से क्रॉस होएगा। क्या लगता है आप लोगों 100 होगा कि नहीं? 100 अच्छा है। और आगे बकरे देखते हैं। देखो तो देख लिए भाई हम लोग ने, देखो भी देख लिए। ये पलने के लिए आया यहाँ पे, ये अपने माँ बाप जैसा बच्चे लोगों बोर्डिंग हॉस्टल छोड़ देते हैं ना, बड़े बच्चे। हाँ, ये लोग अभी पलने के लिए है, बड़े हो गए पढ़ लिख के निकले गए ऐसे। सल्ला ये लोकेशन, ये उसका नाम बाहर से अभी आप लोग ओ हो इसको अंडुल पसंद है ये देखो एक से एक बकरे भाई, एक से यहाँ पे असली माल पड़ा है यार। ये हो गया खड़ा इतने प्यार से, देखो वो भाई तो हैदराबादी लग रहे हैं। बहुत प्यारा बकरा है ये। अरे इसको क्या हो गया? लॉन्ग बकरा, इसकी सींग देख, एक टूटी है और एक इतनी बड़ी नहीं है, उसको वो लगाया है। ये फार्म का नाम है आयशा गोट फार्म, और ये भिवंडी में पड़ता है मुंबई। मतलब अभी स्टार्ट में कैसा है क्या, सब फार्म पे जो भी गोट है, गोट बकरा जो भी है फार्म पे अच्छे मिलते हैं। मतलब अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, मतलब बीमार नहीं मिलते। टाइम होता है लेके रखने का, फिर बाद में ना सब बकरा ले लेते हैं, जिसको जो नहीं पसंद आता वही बकरे। हाँ, लास्ट में ऐसा हो जाता है कि मतलब जो छून के चले गए, जिसको जो पसंद नहीं है अपने को वही मिलेगा, वही खरीदने के लिए मिलता है। तो ऐसा रहता है। अभी आओ स्टार्ट में कैसा है, अभी आओ अपना पसंद करके रख लो। ये लोग कोई दे दो अगर जगह नहीं है तो। ये लोग पालने का मतलब पर डे के हिसाब से लेते हैं। बड़े बकरे 110 और ये सब बकरे तो 110 ही रहेंगे, और छोटे बकरे 90 रुपीज़, 90 रुपीज़। तो ये जो बकरा दिख रहा है इसका रेट था 68,000, और जो ऊपर पीछे डार्क है उसका रेट है 69,000। ये फार्म किधर है? मापोली रोड मापोली वाड़ा रोड भिवंडी में आता है ये। मतलब भिवंडी से अंदर की तरफ आना पड़ता है। ये देखो सामने रास्ता है सीधा थाने जाने वाला। तो अगर आप लोग को आना होगा तो आ जाना। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, मतलब गूगल मैप की लिंक डाल दूंगा। अभी प्रॉपर नहीं, आयशा गोट नाम है। ये देखो दूसरी जगह से अभी ये पर सस्ते। हाँ, सब फार्म वाले लोग से सबसे सस्ता फार्म है। अभी इन लोग यहाँ पे बकरे उतर रहे। ये पूरा इतना बड़ा फार्म है। प्राइस बताओ, प्राइस नहीं, जो भी मतलब बकरे रहेंगे ना वो लोग के ऊपर ही मैं प्राइस डाल दूँगा। हाँ, वो बोर्ड दिखा दिया ना, वो मतलब पर केजी क्या रेट चल रहा है। क्या नाम है, क्या वैरायटी के थे? एक गुजरी और एक सोजत, खस्सी अंडूल 675 अप टू 100 kg जो भी रहेगा वो ऐसा है। और जो मतलब आप लोग को दिखा देता, हर बकरे के नीचे उसका रेट और उसका केजी आ जाएगा, मैं डाल दूंगा। और ये देखो आयशा गोट फार्म, ये नंबर है। ये देखो ये हाईवे, सबसे सस्ता मतलब अभी यहीं पे चल रहा है फ़िलहाल के लिए। वो भी 2 महीना बाकी है इसके लिए। यहाँ के भी रेट बढ़ने वाले, और सब एक से एक मतलब अच्छे से अच्छे बकरे, सब हेल्दी बकरे। जो हिसाब का बकरा चाहिए वो मिलेगा। छोटे चाहिए छोटे मिलेंगे, बड़े चाहिए हेल्दी चाहिए, पतले चाहिए, सब मिलेगा। और ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं क्या मतलब पब्लिक देख के शक्ल देख के लोग पूड़ी बांधते हैं, वो वाला हिसाब नहीं है। केजी के हिसाब से जो भी बकरा पसंद आया उसको वेट करेंगे, उसके वेट के हिसाब से उसकी वैरायटी में निकालेंगे। और वो हिसाब से आपको प्राइसिंग मिल जाएगी उसकी। ओके, तो इसमें से हम लोग ने एक बकरा परचेज़ कर लिया। ये चार में से कोई एक बकरा है, तो आप लोगों को गैस करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा बकरा लिए हो गया हम लोग ने। तो अभी जो आप लोगों को बताया लास्ट में, वो बकरा फ़ाइनल कर दिए और उसको अभी पलाई पे छोड़ दिए यहीं पे, क्योंकि 2 महीना बाकी है। तो 2 महीने तक वो यहीं पे पलेगा और बकरा ईद के 1 हफ्ते पहले उसको लेने आ जाएंगे। और यहाँ पे तो मतलब ऐसा है कि रेट एकदम फिक्स्ड है, 5 रुपया भी लोग कम नहीं कर रहे, जितना बोले कितने और ले रहे। हाँ, जितना बोले उतने में ही फाइनल है, ना 5 रुपया कम है ना 2 रुपया कम है। तभी हम लोग और भी बकरे ले गए, वो अभी दूसरे फार्म से ले गए, देखेंगे दूसरा फार्म। और सब फार्म से तो सबसे सस्ता यहीं पे, लेकिन अभी दूसरा हम लोगों ने देखे नहीं है, तो देखेंगे अभी दूसरे फार्म और बकरा लेने का। तो अब मिलेंगे, ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बकरा ईद का टाइम आ रहा है, तो मतलब बकरे की वीडियोज़ आने वाली है, तो स्टे ट्यून। और वीडियो देखने को कमेंट करो, देवनार की वीडियो सब देवनार की चाहिए तो कमेंट करो। वैसे तो हम लोग सब मंडी कवर करेंगे, फार्म हाउस मंडी जितना जाएंगे वो सब बताएंगे, सबके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो बकरे के व्लॉग के लिए अपडेटेड रहना है तो सब्सक्राइब करो और जितना हो सके शेयर करो। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब मस्ट, 1000 सब्सक्राइबर रमज़ान में बोला था, अब तक नहीं हुए, तो अभी तो हो ही जाना चाहिए बकरा ईद से पहले, है ना। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।